अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद आप अलग क्रम से ठीक होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेलावान। अगर मैं चैनल पर नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर दें कि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो आज आपको गन्ने के रेट के बारे में अपडेट करते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जो गन्ने का रेट है वो तकरीबन 400 रुपये फी मन मुकर्रर हो चुका है। पंजाब का सिंध का 425 है और जो केपी का रेट है वो 500 रुपये फी मन है। तो अब इसके बारे में आपको अपडेट करते हैं कि क्या पंजाब के जो किसान हैं इस रेट पर गन्ना देंगे या नहीं देंगे। तो अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी है, वो रिपोर्ट मैं आपको स्क्रीन पर भी अपडेट कर देता हूँ कि क्या रिपोर्ट है, क्योंकि आपको पता है कि ये डिफरेंट है रेट तीनों सूबों का। 400 पंजाब का है, 425 सिंध का है और 500 रुपये सरहद का है। तो जो चीनी का रेट है वो एक ही है, यानी अगर आप चीनी की बात करें तो 13,000 या 14,000 का रेट है, तो तकरीबन तीनों सूबों का रेट एक ही है। तो फिर ये गन्ने का रेट क्यों मुख्तलिफ है? तो किसानों ने जो इसका जो रेट है वो तकरीबन मुस्तरद ही कर दिया है और हम गन्ना नहीं देंगे। तो उनका क्या मुतालबा है और ये रिपोर्ट जो न्यू हुई है वह कौन सी है, वो चलते हैं स्क्रीन पर वो रेट मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। किसानों की जो बात है अब वो एक ही है कि जब पूरे पाकिस्तान में तीनों सूबों में चीनी का रेट एक ही है, यानी 14,000 15,000 13,000 जो भी है तो रेट एक ही है, लेकिन पंजाब में 400, सिंध 425 और केपी 500 क्या मुख्तलिफ रेट हैं? इसमें तकरीबन 100 रुपये फी मन के हिसाब से फ़र्क है। पंजाब के जो किसान हैं उनका एक ही मुतालबा कि हमारे साथ इनकी क्या दुश्मनी है कि इन्होंने हमारा रेट 400 रुपये कर दिया, केपी का 500 रुपये कर दिया है, सिंध 425 हमारे साथ इतनी नासाफ़ी क्यों है। तो हम जो गन्ना है वो कभी भी नहीं देंगे जब तक ये रेट 500 रुपये नहीं कर देते। 15 और 20 नवंबर तक मिल जो तक मैंने पंजाब की चाह रही है, लेकिन पंजाब के जो किसान है वो गन्ना देने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है।